हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण। और केमिस्ट्री की आज की क्लास में नए टॉपिक की शुरुआत होगी। कल आपने देखा था कि हमने किस प्रकार से पटाखे एवं विस्फोटक और एक्सप्लोसिव के बाद क्लास को समाप्त किया था। कल भी मेरी बहुत अच्छी क्लास थी और जिसमें हमने कल आपको दो टॉपिक क्लियर किया था। एक था आपका संश्लेषित रेशा और दूसरा टॉपिक था एक्सप्लोसिव एंड क्रैकर्स। आज हम सब आपको आपको लेके चलेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक पे, और टॉपिक होगा हमारा फ्यूल यानी कि ईंधन। जहाँ तक ईंधन की बात करते हैं छात्रगण, फ्यूल की बात करते हैं, तो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं परीक्षाओं में। और वही बात मैं बोलूँ कि जितना चैप्टर आप पढ़ेंगे आपका जो है वो आपका कंसेप्ट ही क्लियर होगा और जो है आपका बहुत सारा चीज़ इसमें क्लियर होगा। देखिए, ईंधन की जब बात चल पड़ी है तो हम लोग टोटल ईंधन यहाँ पर पढ़ेंगे। जितना प्रकार का ईंधन होता है, चाहे वो LPG हो, चाहे वो CNG हो, चाहे वो PNG हो, चाहे वो आपका गोबर गैस हो, चाहे आपका कोई भी जल गैस हो, वायु अंगार गैस हो, सभी प्रकार के यहाँ पे ईंधन पढ़िए। और साथ ही साथ इस ईंधन के कैलोरीफिक वैल्यू पढ़िए कि इस तमाम ईंधन के कितने कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं और कौन सा ईंधन हमारा भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा ईंधन हमारा क्या होगा। तो बातें कीजिए मेरे साथ में छात्रगण, हम आपके साथ बहुत ही मनोयोग से चर्चाएं करेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, पूरी ईंधन की कहानी स्टार्ट होती है सबसे पहले सिगरेट के लाइटर के रूप में। आप देखते होंगे कि सिगरेट पीते वक्त एक आदमी जो है लाइटर जलाता है और फटाक से जल जाता है, माचिस की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले वो एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेंगे कि भाई सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस भरा होता है। आपको हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाए थे, स्टडी ऑफ द कंपाउंड जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ दोबारा लीजिए ईंधन टॉपिक में। और वो रसायन है ब्यूटेन। तो डस देकर के लिख लेंगे छात्रगण, सिगरेट के लाइटर के सिगरेट को जलाने में, हाँ नीचे डस देकर के, सिगरेट जलाने के लाइटर में ब्यूटेन नामक रसायन पाया जाता है। तो सिगरेट जलाने के लाइटर में ब्यूटेन नामक रसायन पाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। एकदम पहले भी हम पढ़ा चुके, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए ये नहीं बनती है ना। तो छात्रगण, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले ये हो गया, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन। हैशटैग पे लिखिएगा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। देखिए, ये जो वर्ड जीवाश्म है ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। फॉसिल फ्यूल यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन की कहानी क्या है ये समझिए। आज से हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, इस पृथ्वी पर भी आबादी थी, लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सब आपने सुना होगा। ये सब सभी जमीन में क्या हो गए, दब गए। चाहे भूकंप आया, चाहे बाढ़ आया, पूरी आबादी नेस्तनाबूद हो गई और सभी आबादी जमीन के नीचे समा गया। बाहर से ऑक्सीजन का संपर्क टूट गया, नीचे की प्रेशर और नीचे की टेम्परेचर के फलस्वरूप ये सब तब्दील हुए हैं कोयला में, पेट्रोलियम में, केरोसिन में, नेप्थलिन में, वैक्स में, फेनाप्थलिन में, अन्य कई प्रकार के ईंधनों में ये तब्दील हो गए, जिसमें नेचुरल गैस भी शामिल है। तो जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है, जो कि आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले, इसी प्रकार समुद्र में भी यही चीज हुआ। पहले तो इतना शिकार होता नहीं था समुद्र में, तो हजारों जो बड़े बड़े टापू बने हैं समुद्र के बीच में, वो टापू बने कैसे हैं, बस इन्हीं जानवरों के मरने के फलस्वरूप। बड़ा बड़ा वेल मर गया, बड़ा बड़ा मगरमच्छ मर गया, कई बड़े बड़े जानवर मर गए, एक से एक मरते चले गए और उनसे बढ़ते बढ़ते लंबे वर्षों में वो सड़ करके मिट्टी बन गई और एक टापू नुमा आकृति जो है बीचों बीच समुद्र के बन जाता है। तो छात्रगण, इन जगहों से देखिए तेल निकाल लिया जाता है, पेट्रोलियम निकाल, बॉम्बे हाई सब का नाम आपने सुना होगा कि कैसे पेट्रोल निकाले जाते हैं इन सब स्थानों से। तो जो पूरी इसकी जो कहानी है वो आपको इसमें समझने की आवश्यकता क्या है, इस चीज़ को आप समझिए कि सिगरेट जलाने के लाइटर में जीवाश्म ईंधन पहले कहा किसको जाता है, तो ये आपको समझाया कि फॉसिल फ्यूल कहा किसको जाता है।
जमीन के अंदर के तापमान और दाबमान और दाब के फलस्वरूप ये ईंधन में कन्वर्ट हो गए। अभी इन ईंधनों में कुछ कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईंधन है जो हमारे आम जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले पढ़िए कोयला, है ना। हाँ, केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए, एक साथ में लिखिए। कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। नंबर सबसे पहला लिखिए पीट कोयला, पहला नंबर पे लिखिए पीट कोयला, पीट पीट कोयला, कोयला पीट कोयला, पीट कोयला लिखे डाल दे करके। इसमें कार्बन की मात्रा, वो पूरा डिटेल बनती है ना, कार्बन बस इसमें लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार की होता है। पीट कोयला में कार्बन जो होता है आपका 50-60% होता है, वो आपको याद रखना है। ये बहुत पूछता है कि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन की मात्रा 50-60% होती है, वो एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। आप नीचे टास देकर के लिखिए। इसमें इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है, अधिक राख एवं धुआं निकलता है, अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, अधिक राख एवं धुआं निकलता है, अधिक राख एवं धुआं निकलता है, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये लोग पूछेंगे कि बताइए कि कोयले की सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला यानी सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है, तो पीट कोयला। सेकेंड क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि पीट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये दोनों प्रश्न जो है आप अच्छी तरह से बना करके इसको रखेंगे। सेकेंड नंबर पे आपका है पीट कोयला हो गया, उसके बाद सेकेंड है आपका लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला फिर वही सबसे पहले कार्बन की मात्रा करेंगे, है ना। कार्बन की मात्रा 60% से ऊपर, 60% से ऊपर, 60% से ऊपर, बल्कि और इसको ऐसे करके लिख लीजिए ना, 60-70% लिख लीजिए, 60-70%। तो लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 60-70% तक होती है, है ना। नीचे डैश ये लिख लीजिएगा। इसका रंग भूरा होता है, भूरा, ब्राउन, इट इज ब्राउन इन कलर। वो भी एक पूछता है कि निम्नलिखित में से किस कोयले का कलर ब्राउन होता है, तो लिग्नाइट कोयले का। इसका रंग भूरा होता है तथा इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसका रंग भूरा होता है, ब्राउन होता है, तथा इसमें जलवाष्प की मात्रा, मतलब पानी की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। आईएस 2007 का क्वेश्चन था, 1998 का क्वेश्चन था एक्चुअली, कि निम्नलिखित में से किस कोयले में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, लिग्नाइट कोयले में। निम्नलिखित में से लिग्नाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो दोनों प्रश्न परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत अहम है, जिसको आपको जानने की, जिसे आपको जानना चाहिए। तो कोयला दो प्रकार का अभी हम लिखा चुके, पीट कोयला हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया। नेक्स्ट कोयला पढ़िए बिटुमिनस कोयला, थर्ड नंबर में बिटुमिनस कोयला। ये इंपॉर्टेंट है बिटुमिनस कोयला, क्योंकि हम अपने घरों में जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं वो तमाम कोयला बिटुमिनस होता है। जो हम लोग घरों में कोयला जो जड़ाते हैं वो बिटुमिनस कोयला होता है। लिखिए, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, इसे मुलायम कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, इसे मुलायम कोयला भी, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा, इसका प्रयोग घरेलू कार्यों में होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है, वो भी याद रखिएगा। कार्बन की मात्रा 70 से 85% के बीच, इसमें कार्बन की मात्रा
70-85% के बीच होती है, 70-85% के बीच होती है। यह सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाता है, यह सबसे अधिक प्रचुरता में। जितना भी कोयला का जो आप देखते होंगे कि कोयला जो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन सा कोयला निकलता है, तो यही बिटुमिनस कोयला निकलता है, इसको याद रखिएगा। यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी में घरों में प्रयोग किया जाने वाला कोयला, घरों में प्रयोग किया जाने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला ही होता है। घरों में प्रयोग किया जाने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला ही होता है। चौथे नंबर की कोयला आपको दिमाग में चला गया होगा कि सर किस कोयले की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। हम सब बात करने जा रहे हैं आपके लिए एंथ्रासाइट कोयले की, छतगिन, और जो कि सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, और इस एंथ्रासाइट कोयले के बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला आपको मालूम होना चाहिए कि कोयले के सभी किस्मों में यह सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे उच्चम उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। वो डायरेक्ट के लैंग्वेज लिखिए, एंथ्रासाइट कोयला के बारे में जानकारी लिखिए, यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है, यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है, 85% से भी अधिक होती है। इसमें कोयले की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोयले के सभी प्रकारों में किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो है आपका एंथ्रासाइट कोयला, जहां पे कार्बन की मात्रा 75-80% के बीच में होता है। ओके, तो एक ये मेरा कंसेप्ट निकल करके आ गया। अब हम जीवाश्म ईंधन के तहत में हम लोग कोयला के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, और वो टॉपिक होगा मेरा सेकेंड नंबर टॉपिक, जिसका नाम है पेट्रोलियम। इसे काला सोना, पेट्रोलियम को काला सोना, ब्लैक गोल्ड, इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, जिसे अशोधित तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कच्चा तेल, कच्चा तेल या चट्टान का तेल, या चट्टान का तेल, या चट्टान का तेल भी कहा जाता है। क्रूड ऑयल, चट्टान का तेल, ब्लैक सोना भी कहा जाता है। नीचे डैश, पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोलियम पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि। तो कोयले को, सॉरी पेट्रोलियम पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा निकाला जाता है। उसको नीचे डैश देकर के लिख लीजिएगा, है ना, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि, पेट्रोलियम पदार्थों को लिख लीजिए, है ना, पेट्रोलियम पदार्थों को
प्रभाजी आसन विधि के द्वारा निकाला जाता है। अब ये सवाल उठता है कि यह प्रभाजी आसवन विधि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता क्या चीज है। तो देखिए, प्रभाजी आसवन विधि में क्या है कि आपको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर सारे मटेरियल कलेक्ट किए जाते हैं, मतलब गैस बन करके सब निकलता है और नाली लगा हुआ रहता है बड़ा बड़ा, उसमें टेम्परेचर डाला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे सारा कुछ निकलता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है वहीं से केरोसिन तेल भी निकलता है, वहीं से अलकतरा भी निकलता है, वहीं से डीजल भी निकलता है, वहीं से आपका वैक्स भी निकलता है, वहीं से आपका फेनोफ्थेलिन भी निकलता है। तो कई प्रकार के रसायन एक ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है प्रभाजी आसवन विधि, जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर जो है हम तमाम इन चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं छात्किन। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल, चट्टानों का तेल या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, जिसे हम सब प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा निकाल लेते हैं। तो यह भी ईंधन मेरा खत्म हो गया, अगले ईंधन पर आपका स्वागत कर रहे हैं। और अगला ईंधन ले लीजिए आप, बायोगैस। देखिए, ईंधन की जहां तक बात करते हैं छात्रगण, तो आप मैट्रिक लेवल पर आपने पढ़ा होगा कि आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं, ये मैट्रिक लेवल पर आपने पढ़ा होगा। तो आदर्श ईंधन का गुण हम लोग याद किए थे, आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ के जाते थे कि आदर्श ईंधन वो ईंधन है जो धुआं ना देता हो, हमारे आँखों को खराब ना करता हो, जो अत्यधिक ताप देता होगा, जो अत्यधिक ताप देता है। तो ये सब सारा चीज़ आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा। अब वहाँ से बाहर निकलिए, अब चूंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन वो सब जो पूछता है वो आपको जानने की यहाँ पर जो है आवश्यकता आन पड़ती है। तो यहाँ पर है छात्रगण, नेक्स्ट हम सब चलेंगे बायोगैस में और बायोगैस की बातें करेंगे। बायोगैस, और बायोगैस में जो होता है छात्रगण वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के बाद इसमें होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। देख लीजिए, बायोगैस वगैरह बस सब गैसीय पदार्थ है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और H2S, है ना। मुख्य घटक बायोगैस का यहाँ पे नीचे में लिख के लीजिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। हैशटैग पे बायोगैस लिखेंगे, मौजूद होने वाला जो इसमें सब्सटेंस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन यानी कि CH4 होता है। तो ये पूरी इसकी कहानी है छात्रगण, और इसमें जो मीथेन की मात्रा वो भी लिख लीजिए, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन 75% होता है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कोल गैस, बायोगैस के बाद में कोल गैस। देखिए, आप बोलिएगा सर कि कोल गैस, ये सबका यूजेस क्या है, तो आपको बता देते हैं कि कोल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, घरेलू ईंधन में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोगशालाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है, है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस मीथेन का मिश्रण होता है। बॉक्स बना बना करके सब लिख लीजिए, सब एकदम पूछेगा कि कोल गैस क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, गोबर गैस क्या क्या चीज से मिलकर बनता है, बायोगैस क्या क्या चीज से मिलकर के बनता है। तो ये ईंधन के सभी कंपोजिशन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, डैश देकर लिखिएगा, इसका उपयोग घरेलू ईंधन में किया जाता है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन में किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट है आपके पास में वाटर गैस, अगला ईंधन है आपके पास में वाटर गैस, जिसको हम लोग जल गैस के नाम से जानते हैं, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वाटर गैस यानी कि जल गैस, और ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
ये दोनों का वाटर गैस मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन कौन चीज होता है इसमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस इसमें होता है हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के क्या चीज बनाते हैं, वाटर गैस बनाते हैं, जिसको हम लोग जल गैस कहते हैं। ओके लिखिए रास्ते करके। इसका एक और लिखिएगा है ना, इसमें जल गैस को इसको अथवा अथवा भाप अंगार गैस भी कहा जाता है, भाप अंगार गैस। वाटर गैस को, जल गैस को भाप अंगार गैस भी कहते हैं, वो भी आपको याद रखना इसमें चाहिए। इट इज आल्सो नोन एज द भाप अंगार गैस। तो वाटर गैस, जल गैस अथवा भाप अंगार गैस, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ओके ये भी हो गया, नीचे डाल लीजिए। इसे इसे रक्त तप्त कोक, रक्त तप्त कोक यानी खून के जैसा, इसको पहले एकदम कोयले को, कोयला का परिष्कृत रूप होता है कोक, उसको एकदम हीट करके एकदम लाल कर लीजिए, एकदम खून के जैसा लाल, वही लिख रहे हैं। इसका इसका बहुत पूछता है, भाप अंगार गैस और वाटर गैस का प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त आता है परीक्षा में, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नीचे डैश देकर के वही लिखा रहे हैं, रक्त तप्त कोक पर भाप प्रभावित करके, पानी का भाप प्रभावित किया जाता है, रक्त तप्त कोक पर भाप प्रभावित करके, भाप प्रभावित करके प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। इसमें नाइट्रोजन और जलवाष्प, इसमें नाइट्रोजन और जलवाष्प अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन और जलवाष्प अशुद्धि के रूप में, इसमें नाइट्रोजन और जलवाष्प अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन और जलवाष्प अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। क्या कहना है छात्रगण, ये पूरी कहानी थी जिसको हम सबों ने वाटर गैस, जल गैस अथवा भाप अंगार गैस के रूप में आप सबों के सामने में प्रस्तुत किया है। ओके कहानी क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के सीधे सीधे अगले गैस को हम लोग उठाते हैं। अच्छा इसका थोड़ा सा यूज लिख लीजिए है ना, भाप अंगार गैस का यूज लिख लीजिए, ये सब याद करिएगा एकदम, कि वाटर गैस में क्या होता है भाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, इसको हम लोग भाप अंगार गैस भी कहते हैं, इसको लाल रक्त तप्त रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है, नाइट्रोजन जैसे और जलवाष्प इसमें अशुद्धि के रूप में मौजूद होता है। यहां डाल के लिखेगा, इसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है, इसका उपयोग, इस ईंधन का उपयोग जो आप लिखाया गया आपको वायु अंगार भाप अंगार गैस का, तो इसका उपयोग, इसका उपयोग जल गैस का उपयोग वेल्डिंग के रूप में भी किया जाता है, इसका उपयोग वेल्डिंग के रूप में भी किया जाता है। तो जितना प्रकार का जो वेल्डिंग होता है, इसका उपयोग वेल्डिंग के रूप में भी कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब आएंगे वायु अंगार गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए प्रोड्यूसर गैस भी पढ़ लीजिए फटाक से एकदम, वायु अंगार गैस जिसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। हैशटैग पे जाएगा छात्रगण मेरा, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस इसको हिंदी कहते हैं वायु अंगार, वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस। प्रोड्यूसर गैस, वायु अंगार गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। देखिए एकदम सीधे सीधे इसको याद कर लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाइएगा तो जल गैस बन जाएगा, और अगर इसमें नाइट्रोजन मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपको प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस। वो भाप अंगार गैस था, ये वायु अंगार गैस है ना। चलिए इसका भी प्रिपरेशन लिखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन इसका इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन लिखिए, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके, वायु प्रवाहित करके बनाया, वायु प्रवाहित करके बनाया जाता है, लाल रक्त, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाया जाता है।
छतगन आपको बनाना मालूम होना चाहिए कि वायु अंगार गैस जो होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है। नीचे डैश देकर के लिखेगा, इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट गैस है वायु अंगार गैस, इसका उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। उम्मीद करते हैं छात्रगण के ईंधन टॉपिक भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अभी ईंधन में कई ईंधन बचे हुए हैं, लेकिन आज की क्लास हम सब यहीं पर ड्रॉप करेंगे और पुनः कल की क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल की क्लास में करेंगे। देखिए, पूरी ईंधन जो टॉपिक है हमारी छात्रगण, इसको आपको ये समझना चाहिए कि पूरे ईंधन टॉपिक में हम सब जो है कई प्रकार के ईंधन पढ़ेंगे, इस ईंधन के केमिकल कंपोजिशन क्या हैं और साथ ही साथ इसके यूजेस क्या हैं, क्योंकि परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि फलाना ईंधन में कौन सा कंपोजिशन होता है। एलपीजी का तो 50 बार आप क्वेश्चन देखे होंगे कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक क्या है, प्रोड्यूसर गैस किससे किससे मिलकर बनता है, जल गैस किससे किससे मिलकर बनता है, और साथ ही साथ इन तमाम गैसों के आम जीवन में क्या क्या यूजेस हैं, उपयोग हैं, इसकी भी चर्चाएं हम सब करेंगे। तो आज की क्लास हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की क्लास में कल की बातें करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए, मज़े में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।